संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर है। ये खबर सुनते ही संजय दत्त को चाहने वालों में मायूसी है। 8 अगस्त को छाती में दर्द की शिकायत पर संजय दत्त को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना जांच के दौरान पता चला कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है, जो कि तीसरी स्टेज पर है। इसके इलाज के लिए संजय दत्त जल्द ही विदेश रवाना हो सकते हैं। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने कहा कि संजय हमेशा से फाइटर रहे हैं और उनका पूरा परिवार फाइटर है। उन्होंने कहा कि भगवान ने एक बार फिर से उनका टेस्ट लिया है और देखना चाहते हैं कि हम इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मान्यता दत्त ने उनके फैंस को संजय के जल्द स्वस्थ होने की दुआओं के लिए धन्यवाद किया है और कहा कि हर मुश्किल की तरह संजय इस मुश्किल घड़ी को भी जल्द ही पार कर लेंगे। उनकी खबर की बात सुनते ही तमाम सेलिब्रिटीज के ट्वीट भी सामने आने लगे। कैंसर से जंग जीत चुके क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, संजय आप हमेशा से एक फाइटर हैं और रहेंगे। मैं जानता हूं इसमें कितना दर्द होता है, लेकिन यह भी जानता हूं कि आप ये दर्द सह लेंगे। मैं दुआ करता हूं कि आप जल्द ठीक हों। ब्यूरो रिपोर्ट, आईनेस टीवी।